नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मन हमारे सूक्ष्म शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा बुद्धि से निर्णय लेकर किसी वस्तु को जानने के लिए मन को प्रेरित करती है। मन इंद्रियों से युक्त होता है और इंद्रियां विषयों से संबंधित हो जाती है। मन का सानिध्य न रहने पर आत्मा इंद्रिय और विषयों का संयोग होने पर भी इसका ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए ज्ञान का होना या न होना मन का लक्षण है। मन का लक्षण करते हुए न्याय दर्शन कहता है, मन एक समय में एक ही विषय का ज्ञान करता है। कई बार अनेक कार्य एक साथ किए जाते हैं, वहां पर मन की सूक्ष्मता और तीव्रता ही कारण है। इस विषय में डॉक्टर फ्रायड मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड यानी कि बर्फ के टुकड़े से करते हैं। जिस प्रकार से बर्फ का आठवां भाग ही जल से ऊपर दिखाई देता है, इसी प्रकार हमारा मन का आठवां भाग ही हम जान पाते हैं। मन का बहुत बड़ा भाग व्यक्त या चेतन मन की पहुंच से सदा बाहर रहता है। यह अव्यक्त मन हमारे सभी क्रियाकलापों का उद्गम स्थान है। अव्यक्त मन में दबी हुई भावनाएं, आशाएं और विस्मृत अनुभूतियां ये रहती ही है। भारतीय मनुष्यों ने इससे चित्त कहा है, जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार संचित रहते हैं। तो चलिए जानते मन के विषय में कुछ। ये चिंतनीय होता है, जैसे कि यह कार्य करने योग्य है अथवा नहीं। मन विचारणीय होता है, जैसे यथा इस कार्य को करने से लाभ होगा या हानि होगी। संभावना, जैसे कार्य इस प्रकार से होने की संभावना है। ध्येय, मन से ही किसी वस्तु का ध्यान करना, इसमें इंद्रियों की सहायता नहीं ली जाती, सिर्फ मन से ही ध्यान किया जाता है। संकल्प और विकल्प, जैसे ये पदार्थ गुणयुक्त है अथवा दोषयुक्त है, और सुख दुख आदि इत्यादि चीजें। तो चलिए जानते मन के कार्य क्या है। इंद्रियों से युक्त होकर उनका संचालन करना, स्वयं अपने को अहित कर्मों से रोकना, तर्क वितर्क और विचार करना, ये मुख्य मन के कार्य है। तो जानते हैं मन के गुण क्या है। धैर्य, तर्क वितर्क, कुशलता, स्मरण, भ्रांति, कल्पना, क्षमा, शुभ अशुभ संकल्प और चंचलता, ये मन के नौ गुण हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये मन के तीन भेद हैं। इनमें शुद्ध सात्विक मन दोष रहित होता है। राजसिक मन में क्रोध तथा तामसिक मन में मोह की प्रधानता अधिक होती है। तो चलिए जानते हैं जिनका मन शुद्ध होता है या शुद्ध मन के क्या लक्षण होते हैं। आरोग्य, शांति, रूप, ज्ञान, विज्ञान, आर्यता, दीर्घायु और सुख समाधान की प्राप्ति करना, ये सभी लक्षण शुद्ध मन के होते हैं। तो चलिए जानते हैं स्वस्थ मन वाले व्यक्तियों में कौन सी चीजें पाई जाती है, कौन सी ऐसी बातें पाई जाती है। पहली, सामान्यता वह जीवन का आनंद लेता है। जिसका भी मन शुद्ध होगा वह व्यक्ति जीवन का आनंद लेता है। यदि कभी उसे किसी प्रकार का कष्ट या दुख होता है तो वह इसका कारण भलीभांति समझता है। उसमें पर्याप्त आत्मविश्वास होता है। स्वस्थ मन वाले व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में आत्मविश्वास होता है। वह आशावादी होता है और जो अवसर उसको मिलता है उसका पूरा पूरा वो लाभ उठाता है। उस व्यक्ति की कुछ लोगों से घनिष्ठ मित्रता होती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो वह सभी को अपना मित्र बना लेता है तथा कार्य क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर कार्य करता है। स्वस्थ मन वाले व्यक्ति के सामने अगर कोई संकट आ जाए तो वह उससे दूर नहीं भागता, उससे बचने के स्थान पर उसका दृढ़ता से मुकाबला करता है और उसका उपाय ढूंढता है। दूसरों के सामने कभी भी अपने दुखों का रोना नहीं रोता, अपने दुखों का निवारण वो खुद स्वयं करता है। वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहता है, परंतु
जरूरत से ज्यादा शरीर की रक्षा में भी रुचि नहीं रखता। उसका आचरण अपने तथा दूसरों के लिए अच्छा रहता है। छोटी छोटी बातों से लेकर वो कभी भी चिंतित नहीं होता। उसे बात बात पे क्रोध भी नहीं आता और ना ही किसी छोटी बात पर क्रोधित होकर या अप्रसन्न होकर किसी को बड़ा बुरा कहता है। जब भी वो अप्रसन्न होता है उसके पीछे भी क्या कारण है उसी को ढूंढता है और उसी का निवारण वो करता है। स्वास्थ्य से संबंधित भी वो शिष्टाचार और मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता। जब तक उचित कारण ना हो वह लोगों से या किसी वस्तु से या किसी संकट से कभी डरता नहीं है। कभी कभार स्वस्थ मन वाले व्यक्ति भी आत्मविश्वास खो बैठते हैं। वे बिना कारण दूसरों पर दोषारोपण करने लगते हैं अथवा किसी बात पर अनावश्यक चिंता करते हैं। हम सब में ये गुण दोष थोड़े बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु अगर गंभीर रूप से देखा जाए तो स्वस्थ मन वाले जो व्यक्ति होते हैं इनमें ये गुण काफ़ी या ये इनमें जो ये सॉरी दोष काफ़ी कम पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी स्वस्थ मन के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।